वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू ड्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस, जैसा कि यहाँ पे नाइट्रेट लिखा है, इस तरह के जो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, HSO4 है, CO3 है, कार्बोनेट होता है, इस तरह के जो आयंस होते हैं उनके स्ट्रक्चर किस तरह ड्रा करते हैं वो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही आसान वीडियो, गौर से देखना। सबसे पहला स्टेप क्या, काउंट ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो जितने भी एटम दिए गए सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेने। जैसे कि अगर सबसे पहले नाइट्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, लेकिन जितनी तादाद है उससे आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका मतलब 3 ऑक्सीजन के पास 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद जो चार्ज है, आयन चार्ज यानी ऊपर -1 है तो -1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना आप लोगों ने, ठीक है। अगर प्लस है तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देना आप लोगों ने। तो इसका मतलब टोटल अगर इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएँ तो 5 ये हो गए, 18 ये हो गए और 1 ये हो गया। तो इसका मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 24, 5, 18 और 1 ये वाला 1, 5, 18, 1, 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, पहले स्टेप में आप लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने। उसके बाद क्या करना, आप लोगों ने इस मॉलिक्यूल में, इस आयंस में जो लीस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम होगा उसको आप लोगों ने सेंटर में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उसको सेंटर में लिखना और जिनके इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा उनको आप लोगों ने सराउंडिंग में लिख देना, इस तरह जिनके साइडों पे लिख देना आपने, समझ आएगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना, लास्ट नेक्स्ट पॉइंट आता है, ड्रा सिंगल लाइन। सिंगल लाइन के जरिए आप लोगों ने क्या करना, इनको आपस में जोड़ देना है इस तरह। सिंगल लाइन कह लीजिए, सिंगल बॉन्ड के जरिए आप लोगों ने इन सभी आइटम्स को आपस में जोड़ देना। अगर यहाँ पर भी कोई आइटम होता तो उसको भी आप लोगों ने इस तरह साथ जोड़ देना उसके। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, ये काम करने के बाद आप लोगों ने जो सराउंडिंग आइटम्स हैं ना उनके आप लोगों ने ऑक्टेट शेल कंप्लीट करने। ये देखिए, ये वाला जो एक लाइन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनी है। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं इस ऑक्सीजन के पास। उसके बाद 2, 4, 6, ये 6 आप लोगों ने खुद लगा देने। तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 4, 6, 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके भी इस तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6 और 2 ये वाले 8। तो इन सभी का आप लोगों ने सराउंडिंग वाले आइटम जो है ना उनको ऑक्टेट पहले कंप्लीट करना है। अब देखिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सेंटर वाले आइटम को चेक करना है, क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि सेंटर वाले आइटम के पास 2, 4 और 6 हैं, इसका मतलब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो जो सराउंडिंग में आइटम्स होंगे वहाँ से आप लोगों ने लोन पे शिफ्ट कर देना है सेंट्रल आइटम की तरफ। जैसे आप लोग लोन पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर नीचे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये 2 स्ट्रक्चर जो हैं इसमें आप लोगों ने क्या किया, चाहे आप लोग इस ऑक्सीजन का शिफ्ट कर लें, इसका कर लें, इसका कर लें, जिसका मर्जी लोन पे आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला लोन पे यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड होने के बाद इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो चार्ज हम लोगों ने लिखा है ये कैसे आता है, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल चार्ज। ये हम लोग किस तरह कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट पेज में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये माइनस माइनस प्लस ये कैसे लिखते होते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए, हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज किस तरह कैलकुलेट करना आप लोगों ने, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना, जिस एटम के ऊपर चार्ज मालूम करना है, जैसे कि नाइट्रोजन के ऊपर प्लस लगा है तो ये अलग अलग एटम का कैलकुलेट करना होता है। तो हम लोगों ने देखना है कि ये प्लस 1 कैसे आया। आप लोगों ने नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5। माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं लोन पेयर को, जिस तरह ये लोन पेयर है, यहाँ पर तो कोई लोन पेयर नहीं, यहाँ पर वैल्यू 0 आ गई। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो एक बॉन्ड है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बना है। तो यहाँ पर देख लो बॉन्ड कितने, 1, 2, 3, 4, 4 बॉन्ड है। तो इसका मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में आप लोग क्या लिखें, 8/2, इसको कैंसिल करें तो आंसर क्या आएगा, 4। तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू +1 आंस। नाइट्रोजन के ऊपर आप लोग +1 चार्ज लगा देंगे। अब ऑक्सीजन का कैलकुलेट करने के लिए फिर से वही फॉर्मूला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, सॉरी, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। अब ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें, देखा 2, 4, 6 लिख दिया माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आप लोगों के पास, ये देख सकते हैं ये 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो 2/2 का ले, इन दोनों को कैंसिल कर दे तो 1 आ गया। तो आ गया आपका 6 - 6 - 1, यानी कि आ गया आपके पास 6 - 7, ये -6 - 1 - 7 हो गया। तो 6 - 7 क्या आंसर होता है, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि -1 आंसर होते हैं। तो इस तरह इस ऑक्सीजन के ऊपर आप देख सकते हैं कि -1 चार्ज आ गया। अब यहाँ पे अगर टोटल मॉलिक्यूल के ऊपर देखा जाए तो 2 माइनस हैं और 1 प्लस है, -1 - 1 + 1 ये कैंसिल कर दें तो बाकी क्या आ गया, -1। तो इसका मतलब NO3 जो होता है ये -1 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि हाउ टू ड्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल के मिस्टी अकेडमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।